तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो द 60 मेंस टूर्नामेंट खेला जा रहा है। इसका भाई जो आज के दिन का दूसरा मैच और टूर्नामेंट का आठवां मैच जो कि खेला जाएगा गुआना अमेजन वॉरियर्स वर्सेज बारबाडोस रॉयल्स के बीच में। तो दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बात करेंगे भाई यहाँ पर एक एक प्लेयर के बारे में और यहाँ पर भाई आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने वालों इस मैच से रिलेटेड। साथ ही साथ भाई पहले मैं आपको दिखा देता हूं जो कल हमने विनिंग की थी जो द 60 मेंस टूर्नामेंट है उसमें आप देख सकते हो एक तरफा विनिंग यहां पर आपके भाई ने करवाई थी। ये तो भाई लास्ट वाले मैच की है जो मैंने मॉर्निंग में शेयर की थी। ये भाई आप देख सकते हो लगातार जैकपॉट विनिंग आपका भाई आपको करवा रहा है। उससे पहले की अगर बात करें तो थोड़ा सा हमें ऊपर चलना पड़ेगा तो वहां पर भाई मैंने पहले मैच की यहां पर शेयर की थी तो थोड़ा सा यहाँ पर आप देखो भाई एक तरफा विनिंग यहाँ पर भी आपके भाई ने करवाई तो लगातार आपको विनिंग करवा रहा है। तो जो भी भाई पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो ना भाई बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर टीम प्रोवाइड कम करवाता हूँ, मैं आपको टीम बना के ज़्यादा दिखाता हूँ और मतलब आपको बनानी सिखाता हूँ कि आप टीम कैसे बना सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। अगर आपको भी भाई फैंटेसी फील्ड में थोड़ा भी इंटरेस्ट है और अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो इस फील्ड में आगे जाना चाहते हो तो वीडियो आपके लिए ही है मेरे भाई। वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो गारंटी के साथ फील्ड में भी आगे जाओगे और विनिंग में भी आगे जाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो भी भाई इस मैच में सीरियसली थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हो ना, थोड़ा बहुत भी अगर आप इस मैच में इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो भाई आपको जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी वो मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो जरूर से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि आफ्टर टॉस आफ्टर लाइनअप्स आफ्टर बैटिंग ऑर्डर ही मैं फाइनल टीम बना पाऊंगा। अभी मैं आपको जो टीम दूंगा अगर वही फाइनल बताऊंगा तो आपका ही लॉस होगा, इसमें मेरा कुछ नहीं जाने वाला। बट जो फाइनल टीम है वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही देता हूं। हमेशा ही मैं यही बोलता हूं कि जो मैं टेलीग्राम पर टीम दूंगा ना वही मेरी फाइनल टीम होगी। यहां पर सिर्फ हम एज ए डेमो टीम एक डेमो टीम प्रिडिक्शन टीम हम बना के देखते हैं और ऑलमोस्ट वो फाइनल होती है। बट एक दो प्लेयर के चेंजेस आपको हमेशा देखने को मिलेंगे क्योंकि टॉस के बाद काफी प्लेयर्स अंदर बाहर होते हैं और बैटिंग ऑर्डर में चेंज होता है और टॉस का इंपॉर्टेंट रोल इतना होता है कि पहले बैटिंग कौन करेगा इसके ऊपर भी भाई काफ़ी सारे प्लेयर चेंज हो जाते हैं। तो आप चलिए भाई बात करते हैं इस मैच के बारे में। तो यहाँ पर भाई देखिए जो दोनों टीम्स हैं उनके लिए मैच ये डू एंड डाई है। जो भी टीम जीतेगी वो भाई यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए और ऊपर जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर भाई दोनों टीम्स ने एक एक मैच जीता और एक एक मैच हार के आ रहे। बारबाडोस रॉयल कल जमाइका वो क्या नाम है भाई उनका जमाइका थालावाद से आर के आ रही है और भाई मतलब 162 रन मार दिए थे बारबाडोस रॉयल्स को जमाइका की टीम ने और इन्होंने भाई 130 के आसपास का स्कोर किया था। तो काफ़ी शानदार मैच रहा था। हालांकि ये आर के आए हैं बट फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं इनके और इन फॉर्म जो प्लेयर है उनको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और कुछ इनके ऐसे प्लेयर्स हैं जो भाई मतलब आपको काफ़ी कम सलेक्शन में मिलेंगे इस मैच में। भाई आपको 7 से 8% सलेक्शन वाले प्लेयर भी मिलने वाले हैं। तो चलिए भाई बात करते हैं मैच की। अब यहाँ से भाई देखिए अब यहाँ आपके लिए वीडियो को स्किप करना, ये मान लीजिए कि अपनी विनिंग को स्किप करना हो जाएगा तो यहां से वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बात करते हैं डेट की तो आज की रहेगी। टाइमिंग की बात करें तो रात को 10 बजे मैच खेला जाएगा अब से लगभग 4 घंटे बाद। ठीक है, जब आपको वीडियो मिलेगी तब ऑलमोस्ट 2 या 3 घंटे ही बचे होंगे, 3 भी नहीं भाई 2 घंटे के आसपास बचे होंगे। तो जब भी आप वीडियो देख रहे हो ना तो टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाइएगा। वेन्यू की बात करें तो भाई पूरा टूर्नामेंट सेम वेन्यू पर खेला जा रहा है, वार्नर पार्क सेंट किट्स वेस्ट इंडीज में मैच खेले जा रहे हैं। पिच की अगर बात करें तो भाई यहां पर मैंने क्लियरली बोला था, मैंने कल भी यही बोला था कि पिच का जो नेचर है ना वो बैलेंस विकेट वाला है लेकिन पिच क्यूरेटर इसके साथ छेड़छाड़ करने में लगे हुए हैं, लगातार छेड़छाड़ कर रहे हैं ताकि इसे बैटिंग फ्रेंडली विकेट बनाई जा सके। और कल के लास्ट मैच में आपने एग्जांपल देख भी लिया होगा कि कितनी खतरनाक बैटिंग फ्रेंडली विकेट की मैं बात कर रहा था। और उनका कहना यह है कि भाई इससे है ना ऑडियंस में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी इस टूर्नामेंट को लेकर, वो यहाँ पर देखने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे, आने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। तो ये चीज मतलब जो पिच के साथ छेड़छाड़ उन्होंने इसलिए की है। तो ये आपके लिए जानना काफी जरूरी क्योंकि आप कहीं पे भी आप सर्च करोगे ना गूगल पे या किसी भी क्रिकेट की वेबसाइट पे कि वार्नर पार्क सेंट किट्स का क्या यहां पर रिकॉर्ड है तो आपको एवरेज स्कोर दिखाएगा, T10 का एवरेज स्कोर 90 से 110 दिखाएगा लेकिन भाई यहां पर हाई स्कोरिंग बन सकते हैं। गुआना की प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस प्लेयर्स के स्टेट्स की बात करें उससे पहले भाई बात कर लेते हैं रिसेंट फॉर्म की। तो आप देख सकते हो एक मैच पहला जीता दूसरा मैच हार के आ रहे। चंद्रपोल हेमराज की बात करें पहले मैच में 18 रन दूसरे मैच में 5 रन, बॉलिंग इन्होंने करवाई नहीं, बॉलिंग भी करवा सकता है, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। शाही ओप आपकी टीम में जरूर होना चाहिए, पहले मैच में तेवर इनके दिखे थे 8 बॉल पर 19 रन आए थे और भाई 1 रन दूसरे मैच में बनाए। हेनरिक क्लासन की बात करें तो पहले मैच में 8 रन दूसरे मैच में
शानदार 25 रन की नोक खेली थी। सिमरन एटमायर लगातार फ्लॉप चल रहे हैं, बट फिर भी आप इन्हें ट्राई कर सकते हो, एक बड़ा नाम है। और इसके अलावा यहाँ पर कोलिन इनग्राम लगातार फ्लॉप चल रहा है, दोनों मैच में एक एक रन। ओडेंस भी दोनों मैच में सुपर हिट गए, यहाँ पर 36 रन प्लस एक विकेट, यहाँ पर 8 रन प्लस दो विकेट, यानी कि परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं से बंदा निकाल कर लेके आ रहा है। वहीं अगर बात करें रोमारियो शेफर्ड की, तो लगातार फ्लॉप चल रहा है, बैटिंग ज़्यादा आ नहीं रही, बॉलिंग में कुछ इसे मिल नहीं रहा। कीमो पोल की बात करें तो भाई बैटिंग एक मैच में बैटिंग आई थी उसमें 4 रन बनाकर नॉट आउट रहा, पहले मैच में बैटिंग आई नहीं और इसके अलावा बॉलिंग इसको मिल नहीं रही। वीरा सैमी परमेल की बात करें तो दोनों मैच में भाई दो दो ओवर डाले और एक विकेट टोटल निकाला, यानी कि 4 ओवर में एक विकेट निकाला है, तो जीएल मिनीजीएल के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, स्मॉलिंग में रिस्क मत लीजिएगा। वकार सलाम खेल की बात करें, पहले मैच में इसका सिलेक्शन ऑलमोस्ट 20% से कम था और आपके भाई ने आपको दिया था, आपको याद होगा जो पहले से जुड़े हुए हैं, एक तरफा विनिंग आपके भाई ने करवाई थी, दूसरे मैच में एक विकेट निकाले इन्होंने। वहीं अगर बात करें रैंसफोर्ड बीटन की, तो दोनों मैच में दो दो ओवर डाले और भाई दो ही विकेट इन्होंने निकाले। बारबाडोस रॉयल्स की बात करेंगे तो भाई ये भी अपना पहला मैच जीत के और कल का मैच हार के आ रहे हैं। रकीम कार्नवल की बात करें तो लगातार आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, अगेन कैप्टनसी का मैं सबसे सेफ ऑप्शन इसे मानकर चल रहा हूं, लेकिन यहां पर थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि देखें जो पहले मैच में भाई यहाँ पर कैप्टनसी में आप चेंज क्यों करोगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले मैच में अभी बैटिंग में फ्लॉप रहा और बॉलिंग में हिट हो गया, दूसरे मैच में भाई बैटिंग में फ्लो हिट रहा और बॉलिंग में फ्लॉप हो गया, तो अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लगे तो आप मत बनाइएगा, बट भाई लॉजिकली आप देखोगे ना तो भाई मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट कैप्टन रहेगा आज के मैच में। वहीं अगर बात करें भाई कैल मेयर्स की, तो इन्होंने यहाँ पर 6 रन बनाए, दूसरा मैच भाई ये खेले नहीं। कॉर्बिन बोस की बात करें तो पहले मैच में 42 रन प्लस एक विकेट, दूसरे मैच में भाई 33 रन प्लस एक विकेट, दोनों मैच में हमारे टीम में थे और दूसरे मैच में हमारे कैप्टन थे, एक तरफा विनिंग की। हैरी ट्रैक्टर की बात करें, दूसरे मैच में भी टीम में थे, पहले में भी टीम में थे, पहले मैच में 16 रन, दूसरे में 35 रन। जेसन होल्डर की बात करें, टीम में जरूर लिया था लेकिन सभी लोगों के ये कैप्टन थे और भाई बिल्कुल फ्लॉप शो इन्होंने दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक विकेट निकाला और 11 रन दिए और काफ़ी महंगे भी साबित हुए थे। डेवन थॉमस काफ़ी नीचे खेल रहा है, इजिली ड्रॉप कर सकते हो, 5 रन और 0 रन इन्होंने बनाए। एडन वाल्स एक ओवर डाला, एक विकेट निकाली। ओशन थॉमस दो मैच में एक विकेट निकाला, एक एक ओवर डालकर। नईम यंग की बात करें तो दो मैच में इन्होंने भी एक ही विकेट निकाला। इसके अलावा जस्टिन ग्रीव्स की बात करें तो पहले मैच में तो बंदे की बैटिंग नहीं आई, अब T10 में जो रिस्क होता है ना वो आपको यहां से समझ आएगा। देखिए पहले मैच में बंदे की बैटिंग नहीं आई और कहां पर था बंदा, 9वें नंबर पर, और दूसरे मैच में पता क्या करवाया इससे, ओपनिंग करवाई थी भाई जिसमें इसने 9 रन बनाए। मतलब आप सोच रहे हो कहाँ पर, आप जितना सोच भी नहीं पाओगे उससे कहीं ज़्यादा आगे की लेके चलते T10 वाले, मतलब खुराफाती दिमाग लगा के ही रखते भाई अपना। तो ये रिस्क यहाँ पर भाई हमेशा रहेगा और ये रिस्क आपके साथ भी हो सकता है और आपके ओपोनेंट के साथ भी, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बस हमें गेम को अच्छे से पढ़ना है और उसी के हिसाब से भाई टीम बनानी है। वहीं अगर बात करें जोशो बिशोप की, तो दो मैच में एक विकेट इन्होंने निकाला। आर सिमंड्स की बात करें तो भाई एक मैच में बॉलिंग की थी, एक मैच में कुछ किया नहीं, तो वहाँ पर भाई ज़्यादा कुछ इन्हें मिला नहीं, ठीक है। अब अगर बात करें डेमो टीम की, तो वो मैं आपको अभी बना के दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे भाई टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारी आज मैचेज है और टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जो भी फाइनल मैच होगी ना, फाइनल टीम होगी ना, वो आपको वहीं पे मिलेगी। अब अगर बात करें भाई यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो सबसे पहले भाई यहाँ से मैं बात करता हूँ विकेट कीपिंग सेक्शन में हमें लेना किसे है। यहाँ से भाई एनरिच क्लासन, शायोब दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे, बट मैं अभी के लिए शायोब के साथ जा रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा मतलब ट्रस्ट है इसके ऊपर कि ये खेल देगा। रकीम कार्नवल मस्टअप पिक रहेगा, इसके अलावा हैरी ट्रैक्टर हमारी टीम में रहेगा। नीचे अगर बात करें तो भाई चंद्रपोल हेमराज को ट्राई करेंगे, अगर आप चाहो तो यहाँ पर भाई सिमरन एटमायर को लेकर जा सकते हो, लेकिन 4 नंबर पर बैटिंग आ रही है तो वैसे भी थोड़ा नीचे खेल रहा है तो बैटिंग के चांसेस कम है, और दूसरा भाई यहाँ पर लगातार आउट ऑफ फॉर्म। यहाँ पर अगर बात करें तो जेसन होल्डर मस्ट हैव पिक, ऑडियन स्मिथ मस्ट हैव पिक, इसके अलावा रोमारियो शेफर्ड यहाँ से आपके लिए आज का ट्रंप पिक रहेगा। और आज का ट्रंप पिक मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे लोग इसको ड्रॉप करके आएंगे, क्योंकि दो मैच में विकेटलेस गया, बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा भाई इंटरनेशनल मैचेज में विकेट टेकिंग गेंदबाज है, तो यहाँ पर तो विकेट निकाल ही लेगा मेरे हिसाब से। और यहाँ पर इसी बोस को मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ। बॉलिंग की बात करते तो भाई ओशन थॉमस को जीएल मिनी जीएल में ट्राई करेंगे, बाकी अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। यहाँ से मैं आर बीटन, वी परमेल और यहाँ से डब्ल्यू सलाम खेल के साथ जाने वाला हूँ। बाकी इसके अलावा भाई अगर आप चाहो तो ओशन थॉमस को भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, या जो एडन वाल्स है इसको ट्राई कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। कैप्टनसी की यहाँ से बात करें तो भाई जो कैप्टन मेरा रहेगा वो सी बोस रहेगा। वीसी की अगर बात करें तो भाई यहाँ से रकीम कार्नवल रहेगा, अगर आप चाहो तो आप यहाँ से ओडन स्मिथ के साथ जा सकते हो, लेकिन भाई मैं बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रहा। जेसन होल्डर भी अच्छा सी वी सी का ऑप्शन है, बट अभी के लिए मैं जेसन होल्डर के साथ भी नहीं जा रहा हूँ। मेरी जो फाइनल टीम है वो आपके सामने है। अगर यहाँ पर भाई कोई प्लेयर नहीं खेलता या टॉस में कुछ गड़बड़ होती है, कुछ भी चेंजमेंट होगा अगर इस टीम में, तो उसकी डायरेक्ट
अपडेट सिर्फ और सिर्फ आपके भाई के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दे रखा है, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।